जब भी कभी आपको लगता हो कि आपकी एक पल के लिए भी आपका मन भगवान को याद कर पा रहा है, कथा में जाने का मन कर रहा है, वृंदावन जाने का मन कर रहा है, श्री बरसाना जाने का मन कर रहा है, लाडली जी के दर्शन करने का मन कर रहा है, तो इसका मतलब एक ही है। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही कोई तो रे नजरों से नजरें मिला न पाई मेरी नजर का कुसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई मेरी जन्मों से बुला रही हूँ कोई तो रिश्ता जरूर कसूर होगा।
मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, बेटी हो, बेटा हो, कुछ तो हो। बोले नहीं नहीं नहीं, ये रिश्ते तुम जो बना रहे हो भगवान से, कुछ कन्फर्म थोड़ी है कि ये भगवान तुम्हारे इन रिश्तों को स्वीकार करेंगे। तो भक्त ने कहा चलो ठीक है, माता पिता भाई बंधु ये संबंध ना भी मानो, उसके बावजूद भी एक सबसे बड़ा रिश्ता क्या है कि हमारे भीतर जो आत्मा है वो उसी परमात्मा का अंश है, उसके भीतर से हम निकले हैं, ये आत्मा उसी का स्वरूप है। इससे बड़ा रिश्ता और तुमको क्या चाहिए? जिनसे प्रकट हुए, जिनसे बने हम, जिन प्रभु की देन से हमको ये आत्मा प्राप्त हुई, इससे बड़ा रिश्ता और क्या हो। इसलिए भक्त कहता है प्रभु तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरी आत्मा, नजरों से ना